दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन इंटेक्स वर्सेस लैबकेयर कंपनी के वायरलेस कीबोर्ड माउस का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं, जानेंगे कौन से कीबोर्ड माउस दिखने में कितने अच्छे हैं, कितनी क्या क्वालिटी है। कंप्लीट जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं इंटेक्स वर्सेस लैबकेयर वायरलेस कीबोर्ड माउस कॉम्बो पैक की। तो इस वीडियो में बिना स्किप करे पूरा देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर यूट्यूब चैनल। चलिए भैया देखते हैं कौन से कीबोर्ड माउस कितने अच्छे हैं। दोस्तों आज अपन कंपेयर करने वाले हैं इंटेक्स पावर वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो, जिसका मॉडल नंबर है ITWLKVM01 वर्सेस, आप देख पाएंगे सेकंड हमारे पास रखा हुआ है लैबकेयर कंपनी का स्मार्टो वायरलेस कॉम्बो, इसका मॉडल नंबर है L999। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे इन दोनों माउस में क्या डिफरेंट है, क्या नहीं है, इनके अंदर क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं, कंप्लीट जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। चलिए बात करते हैं पहले अपन भैया इंटेक्स का जो माउस है अपना देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेक्स और यहाँ लिखा हुआ पावर वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो, जिसका मॉडल नंबर है ITWLKVM01। यहाँ आप देख पाएंगे जो इस इंटेक्स कंपनी के जो वायरलेस कीबोर्ड माउस है उसके डिब्बे का फ्रंट जो लुक है वो कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। ये प्लग इन प्ले है, मतलब कि इसमें कोई भी ड्राइवर और ना ही कोई आपको सीढ़ी लगाना है, ये डायरेक्टली आपको कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगर बैक साइड की, ध्यान दीजिए बैक साइड में यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको फीचर्स नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको इनके अंदर क्वालिटी बताऊंगा कैसी है कैसी नहीं, क्योंकि लिखा तो काफी कुछ रहता है। चलिए ध्यान दीजिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे इसको अपन ओपन करते हैं, तो ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको दो सील देखने को मिलती है, आपको इन सीलों को खोल लेना होता है। चलिए मैं खोल लेता हूँ, यहाँ से ये खोला, इसको भी खोल लेते हैं अपन, यहाँ से ये देखिए ये खुल चुका है, इसको अपन ओपन करते हैं तो आप देख पाएंगे। देखिए दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है इंटेक्स कंपनी का वायरलेस कीबोर्ड और माउस, यहाँ आप देख पाएंगे काफ़ी सिंपल इसका लुक है, ठीक है। आपको एक माउस देखने को मिलता है और एक कीबोर्ड देखने को मिलता है, आप देख पाएंगे। चलिए बॉक्स को बंद करते हैं, अपन यहाँ पे रख देते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे काफ़ी सिंपल सा सिंपल सा इंटरफेस, इसका कोई ज़्यादा एडिशनल डिजाइनिंग नहीं दी गई है इंटेक्स कंपनी के पावर वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो में, आप देख पाएंगे है ना, काफ़ी मतलब सॉफ्ट है, ज़्यादा मतलब वजन भी नहीं है, और यहाँ पे इंटेक्स की ब्रांडिंग की गई है। अगर बैक साइड अगर बात करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि इसको आप ऊंचा भी कर सकते हैं नीचा भी कर सकते हैं, जो कि 80% कीबोर्ड में रहता ही रहता है। सेकंड यहाँ देखेंगे आपके लिए ये सेल लगाने के लिए यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे एक सेल लगता है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं आगे की, ध्यान दीजिए, ठीक है, बिल्कुल बेस सिंपल बैन नहीं है, और अगर देखते हैं तो टाइपिंग काफ़ी अच्छी हो सकती है, तो टाइपिंग से लग टाइपिंग की वर्ड तो नहीं, लेकिन आप टाइपिंग अच्छी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए सेकंड यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर देखने को मिलता है, जो कि आपको इसकी बैटरी का बताता भी, आपकी बैटरी खत्म तो नहीं हो रही है, ठीक है, देखिए वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो प्लग इन प्ले आप बात करते हैं आप अपने इसके माउस की, इंटेक्स कंपनी के जो अपना वायरलेस कीबोर्ड माउस कॉम्बो है, अब अगर बात करते हैं माउस की, ध्यान दीजिए इसकी वाकई दोस्तों मैं आपको कहूँगा इतनी अच्छी डिजाइनिंग है, कीबोर्ड की तो नहीं लेकिन माउस में काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग दी गई है, आप देख पाएंगे साइड में, और इसकी पकड़ भी दोस्तों काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब काफ़ी अच्छी पकड़ दी है अपने इस माउस में। और देखिए यहाँ पे एक बटन भी देखने को मिलता है जिस पर लिखा है DPI, और यहाँ पे आप देख पाएंगे स्क्रॉल डाउन एंड स्क्रॉल अप के लिए बटन दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख पाएंगे राइट एंड लेफ्ट बटन दिए क्लिक करने के लिए, और पीछे यहाँ देखेंगे तो आपके लिए सेंसर देखने को मिल जाता है, और यहाँ देखिए ये खोलने के लिए आपको देखने को मिलता है, और यहाँ आप देखेंगे इसका वायरलेस जो रिसीवर है वो आपको देखने को मिलता है, जो कि माउस के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ भी आप देखेंगे दोस्तों सिंगल सेल लगाने के लिए इसमें ऑप्शन दिया है, क्योंकि कुछ जो माउस होते हैं वो कुछ कीबोर्ड होते हैं उनमें दो सेल लगते हैं। चलिए इसको बंद कर देते हैं, अब बात करते हैं भैया अपन सेकेंड, अपना जो अपना सेकेंड रखा हुआ है वो है अपने पास लैबकेयर कंपनी का स्मार्टो वायरलेस कॉम्बो L999, आप देख पाएंगे स्क्रीन पे, ठीक है। अब दोस्तों अपन इंटेक्स का तो देख ही लिया, बात करेंगे अपन इसकी, तो आपको बताना चाहेंगे यहाँ भी आपको इसमें दोस्तों मल्टीमीडिया की देखने को मिल जाती है, ठीक है, इसका काम खत्म करते हैं इस पे आते हैं, तो इसको अपन ओपन कर लेते हैं। ओपन करने से पहले बताना चाहूँगा आपको कि अपना लैबकेयर कंपनी का जो वायरलेस कीबोर्ड माउस कॉम्बो है इसमें आपको 3 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है, ठीक है। ये बॉक्स का फ्रंट लुक है, अब बात करते हैं बैक साइड की, तो आप देखिए आपको बैक साइड दिखा देता हूँ,
देख पाएंगे। यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, कुछ लिखा हुआ है, पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं, वो सभी में काफ़ी कुछ लिखा रहता है, लेकिन उससे क्वालिटी वाइज बात करने वाले हैं। बताना चाहेंगे आपको ये लैब केयर कंपनी की जो अपना जो वायरलेस कीबोर्ड माउस है, जिसका मॉडल नंबर L999 है, स्मार्ट वायरलेस कॉम्बो, इसमें आपको 3 से 4 कलर आपके लिए देखने को मिलता है, ब्लैक, ब्लैक एंड सिल्वर, व्हाइट एंड सिल्वर, गोल्ड, और ये लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा, मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा, पढ़ लीजिएगा। चलिए अब अपन आते हैं सामने, ठीक है, अब यहाँ से इसको ओपन करेंगे अपन, ठीक है, यहाँ पे सील दी हुई है, सील को ओपन खोल लेते हैं यहाँ पे। खोलने के बाद अब देखिए एक मिनट, ये खुल चुका है, तो अब देखते हैं क्वालिटी क्या है। चलिए इसको ओपन करते हैं, वाह लाजवाब, मतलब मज़ा आ गया, मतलब काफ़ी अच्छा दिखने को मिल रहा है। चलिए पहले सबको बाहर निकालते हैं, आप देखिए कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड को बाहर निकालते हैं, सेकेंड है आप देख पाएंगे इसका ये माउस है, माउस को भी बाहर निकालते हैं, फिर अपन बॉक्स को रख देते हैं पैक करके, तो आप देख पाएंगे। अभी बताना चाहूँगा ये रखा मैंने इसका माउस और कीबोर्ड, तो आप देखिए दोस्तों आपको देखने को मिलता है, देखिए। अब यहाँ देखेंगे आपकी लैब केयर कंपनी की डिजाइनिंग है, मतलब काफ़ी मतलब ऑसम है, मतलब बहुत ही अच्छा डिजाइनिंग की गया है ये कीबोर्ड को, काफ़ी अच्छा। यहाँ आपके लिए लैब केयर कंपनी के कीबोर्ड माउस कॉम्बो पैक का एक यूजर मेनू देखने को मिलता है, इसमें पता नहीं क्या देखते हो, यहाँ देख सकते हैं आप। दोस्तों बताना चाहेंगे लैब केयर कंपनी काफ़ी प्रोडक्ट आते हैं, इसके बारे में बताया गया यहाँ पे, देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं दिया है। और यहाँ पे इसमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि इसको 20 मिलियन लोग परचेस कर चुके हैं इस प्रोडक्ट को। चलिए अब अपन बात करते हैं कीबोर्ड की, ध्यान दीजिए कि कीबोर्ड है, तो आप देख पाएंगे कीबोर्ड काफ़ी एडिशनल डिजाइन किया गया, मतलब अभी तक मैंने जो जितने भी कीबोर्ड मार्केट में देखे इस टाइप की डिजाइनिंग मैंने किसी भी कीबोर्ड की नहीं देखी, और काफ़ी अच्छे से कलर भी काफ़ी अच्छा दिया है। यहाँ पूरा व्हाइट और यहाँ सिल्वर देखने को मिलता है, आप देख पाएंगे यहाँ पर थोड़ा मतलब चिकना दिया हुआ है, और यहाँ पर थोड़ा सा दलदल है, मतलब कि थोड़ा ऐसा देख सकते हैं आप। अब बैक से अगर बात करते हैं, देखिए बैक साइड में कभी लिए बिल्कुल सिंपल देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल लगाने के लिए स्लॉट दिया हुआ है, मतलब देख सकते हैं आप इसमें, आप दोस्तों 2 सेल लगा सकते हैं, देख सकते हैं 2 सेल दिए हैं हाथ में, तो 2 सेल लगेंगे इसमें दोस्तों, 1 सेल लगता है इसमें, 2 सेल लगेंगे, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं अपन, तो यहाँ देखेंगे इसको, ये भी दिया हुआ ऊँचे नीचे करने का दिया हुआ है, देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको इसके इंडिकेटर वगैरह देखने को मिल जाते हैं क्योंकि जलते हैं, ठीक है। आप बताना चाहेंगे यहाँ भी दोस्तों मल्टीमीडिया चीज देखने को मिलती है आपके लिए, हालाँकि बताना चाहूँगा इसका जो अगर टाइपिंग के लिए तो मतलब सॉफ्ट है, लेकिन इसका जो की है वो टाइपिंग के लिए देखिए थोड़ा सा पकड़ जो है ना, हाथ की जो पकड़ है, मतलब ऐसे देखो अपन ऐसे पकड़ ऐसे ऐसे करते हैं तो दर्द हो, मतलब अब वो लोगों पर डिपेंड करता है लोग किस तरीके से अपने हाथ कीबोर्ड पर जमाते हैं, लेकिन जो मेरा जो पकड़ है इस कीबोर्ड पर काफ़ी अच्छी आ रही है, और इस पर थोड़ी पकड़ मेरी हल्की सी कम आ रही है, हो सकता है भाई आपको इस टाइप की पकड़ अच्छी लगती हो, तो यहाँ दोस्तों काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर लैब केयर कंपनी की ब्रांडिंग भी की गई आप देख पाएंगे, और काफ़ी एडिशनल सी डिजाइनिंग की गई है। अब बात करते हैं सेकेंड हैंड देख सकते हैं इसका जो माउस है, चलिए बात करते हैं माउस की, तो आप देख पाएंगे ये माउस है, और बताना चाहेंगे लैब केयर कंपनी का माउस, इसकी डिजाइनिंग इतनी खास नहीं है, ज़्यादा खास देखने को नहीं मिलती है। अगर बात करते हैं इंटेक्स के हिसाब से, देखिए माउस काफ़ी बड़ा है लैब केयर कंपनी का, बड़े से मतलब नहीं होता, पकड़ अच्छी होनी चाहिए माउस की, जब तक अच्छी पकड़ नहीं होगी आप काम अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसकी दोस्तों पकड़ मतलब मैं बताऊँ तो आपको, एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, पकड़ इस इंटेक्स कंपनी के माउस की काफ़ी अच्छी पकड़ है, और ये आपके हाथ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कितने अच्छे पकड़ के माउस चाहिए। सेकंड बताना चाहेंगे यहाँ पे आपके लिए DPI का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे आपके लिए स्क्रॉल डाउन के दोनों में ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इसमें DPI का आपके लिए ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं अगर बैक साइड की, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर सेंसर दिया हुआ है, अगर यहाँ देखेंगे आप तो इसको आप खोल के देख सकते हैं, यहाँ पे सेल लगते हैं, देख सकते हैं सेल लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे अपना ये ब्लूटूथ जो अपना वायरलेस डोंगल होता है वो यहाँ पे नहीं रखा है, लैब केयर कंपनी ने इसी बॉक्स में साइड में रखा हुआ है, चाहे तो इसको आप यहाँ से निकाल इस्तेमाल लीजिए, ये आपसे घूम जाता है तो उसको निकाल के यहाँ भी फंसा सकते हैं। चलिए बंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 सेल लगते हैं, इंटेक्स में 1 सेल यहाँ पे लगता है, 1 सेल यहाँ पे लगता है, मतलब कि भैया जो आपका खर्चा है वो डबल खर्चा है इसमें दोस्तों, क्या आपका पैसे कम लगेगा, मतलब 1 सेल 5-10 रुपये का आता है, ये आपका डबल आएगा, 2 सेल लगाना पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते हैं, तो अगर बात करते हैं तो यहाँ देखिए आपके लिए इसमें 2 सेल देखने को मिल जाते हैं, देखिए 2 सेल दिए हुए हैं, 2 माउस के लिए दिए हैं और 2 अपने कीबोर्ड के लिए दिए गए हैं, और यहाँ आप देख पाएंगे तो इसका ये रिसीवर है, वायरलेस रिसीवर जिसके माध्यम से कनेक्ट होता है। एक बताना चाहेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए ये भी प्लग इन प्ले है, इसमें आपके लिए कोई भी ड्राइवर या सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करना होता है, डायरेक्टली आपको ये सेल इसमें डालना है और ये सेल इसमें डालना है, और इसको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कनेक्ट करना है, आपका कीबोर्ड माउस आपके लैपटॉप और कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो बेसिकली बात को बताना चाहूँगा दोनों कीबोर्ड माउस के बारे में, ये जो बिल्कुल इसकी डिजाइनिंग इतनी अट्रैक्टिव तो नहीं है, मतलब जैसे नॉर्मल कीबोर्ड आते हैं
मार्केट में वैसे ही है, लेकिन इसकी जो डिजाइनिंग है लैब केयर कंपनी की, ये कि प्राइम लुक देखने को मिलता है, इसे प्राइम देखने को मिलता है, काफ़ी एडिशनल दी हुई डिजाइनिंग। लेकिन अगर बात करते हैं अगर माउस की, तो माउस का दोस्तों बताना चाहूँगा इतनी खास डिजाइनिंग नहीं है माउस की, सिंपल यहाँ पर सिल्वर दिया हुआ है और पकड़ भी अच्छी नहीं है यहाँ पर। लेकिन माउस आपको देखने को मिलता है इंटेक्स कंपनी का, काफ़ी छोटा भी है, ज़्यादा बयान भी नहीं है, जबकि इस वाले माउस थोड़ा बयान भी ज़्यादा है, डबल सेल भी लगते हैं, ठीक है। और इसकी जो पकड़ काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर डीपीआई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों बात करूँ मैं आपके लिए, तो मेरे हिसाब से तो टाइपिंग अगर आपको करना तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया है, अगर सो भाजी करना तो आपके लिए वो ये बहुत बढ़िया, क्योंकि डिजाइनिंग काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। तो बेसिकली इसमें अंतर है कुछ भी, समय में आपको मैं बता दिया पूरा, आपको जो समय समझ लीजिएगा, आप जो परचेज करना चाहें परचेज कर लीजिएगा। दोस्तों आपने जाना और देखा इंटेक्स वर्सेस लैब केयर कंपनी के वायरलेस कीबोर्ड माउस कॉम्बो पैक के बारे में। अगर इनको आप परचेज करना चाहते हैं तो हमारी दुकान पर इनको परचेज कर सकते हैं। हमारी दुकान का नाम है वाई गुरु कंप्यूटर, एड्रेस है श्री राम नगर रोड नियर ओपरिनक गार्डन विदिशा। आपको कंप्लीट एड्रेस और मोबाइल नंबर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन प्रोडक्ट की अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। इनको अगर आप बुक करते हैं तो आपके दिए हुए एड्रेस तक हम इनको पहुंचा देंगे। अगर दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानने को मिला हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो भी भाई और बहना चेयर करना है प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसे ही कई सारी वीडियो देखने को मिलती रहे।